जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में संशोधन के बारे में है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में संशोधन के बारे में है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने विधेयक पेश करने के दौरान कहा कि ये कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने वाला विधेयक है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के बाद अब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक सीट आरक्षित की जाएगी। साथ ही संशोधन के मुताबिक कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों को आरक्षित किया जाएगा। इन 3 सीटों पर नामांकन उपराज्यपाल करेंगे। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्ट करने वाले 1950 के अधिनियम की 2री अनुसूची में संशोधन किया गया। प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कहा, इन विधेयकों का उद्देश्य उन लोगों को न्याय देना है जिनकी पिछले 70 सालों में अनदेखी की गई। इस विधेयक पर कश्मीर के आम लोगों, राजनीतिक दलों और जानकारों की अपनी अपनी राय है। CPIM नेता मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने इन विधेयकों को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। जहां तक इन बिल्स का ताल्लुक है, अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जो उन्होंने कुछ तरामीम लाई हैं, एक सवाल है हमारा कि जहां तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ताल्लुक है वो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी नहीं है। कब होगा जजमेंट? उम्मीद है कि अनकरीब। क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम जुडिशियल वर्डिक्ट का इंतज़ार कर लेते? और दूसरा, जहाँ तक ये जो रिजर्वेशन बिल का ताल्लुक है, एक बात मैं कहूँगा, 70 साल में होम मिनिस्टर साहब से इतना ही कहूँगा कि वो हालिया तारीख को पढ़ लें और उनको एम्पावरमेंट करना है। ये एम्पावरमेंट के बजाय BJP की गिनती में इजाफा कर लेना बैकडोर से, वो कश्मीरी पंडितों के मफादात का तकाजा नहीं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू इससे अलग मत रखते हैं। क्या इससे एक कम्युनिटी जो अपरूट हुई है 1990 में वो रिहैबिलिटेट होगी? जहां तक मेरा ख्याल है KPSS का खला नहीं होगी। इससे बेटर था कि अगर ये 3 सीटें या 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली सीट रिजर्व कर लेते। 2014 से अगर इतनी दर्द है हमारे अमित शाह जी को हम कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो आज तक 10 साल में उन्होंने एक भी नॉमिनेशन राज्यसभा में कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सलाम सागर इसे BJP की राजनीति से जोड़कर देखते हैं। ये BJP की पॉलिटिक्स और जो उनको जो लग रहा है कि यह उनसे हालात सुधरते नहीं हैं, तो ये सोसाइटी में कुछ सेक्शंस को एंटरटेन करने की बात की जा रही है और कुछ नहीं है। तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में। आप रिजर्व सीट कर लीजिए उनके लिए कि वो फाइट कर सके। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से बंदा खड़ा होके हम भी कश्मीरी पंडित को, जैसे वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में BJP के प्रमुख रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विधेयक पर अपना पक्ष रखा। 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने बहुत जुल्म और सितम किया जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। एक और जहाँ राजनीतिक गलियारों में इन विधेयकों को लेकर चर्चा है, वहीं कश्मीर के कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के मसलों का हल
कश्मीर से ही मिलेगा। पंडित कम्युनिटी की एगनी को कश्मीर सॉल्व करेगा। सी दिस कश्मीर इज अ होमलैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स। हम इस टाइम चिनार बाग में बैठे हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डीएनए ऑफ कश्मीर। दिस कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड बाय द नैरेटिव्स ऑफ नागपुर एंड न्यू दिल्ली। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी कोई डेमोक्रेसी होती है किसी भी कोने में दुनिया में, तो उसमें एक बेसिक चीज होती है जो कि लोगों की बातें सुनी जाती है, उनको सुना जाता है लोगों की बातों को। मेरे ख्याल से नॉमिनेशन जो की हुई है गवर्नमेंट ने, तो ये सही नहीं है, तो इसके लिए एक लीगल सिस्टम होना चाहिए। प्रोफेसर नूर अहमद बाबा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में राजनीतिक शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है ये ऐसे हालात से एक किस्म का एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन और सेंस ऑफ एलिनेशन बढ़ जाएगा। यहाँ लोग समझेंगे सब कुछ दिल्ली से हो रहा है और शायद पंडित हमसे हमेशा के लिए डिफरेंट है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर उनको नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। इस विधेयक पर पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरुंग कहते हैं कि दो सीटें जो इन्होंने रिजर्व की है, इससे थोड़ी बहुत लेजिस्लेटिव स्पेस क्रिएट हो जाएगी उस कम्युनिटी के लिए जिसने जिनोसाइड सफर किया। उस दृष्टिकोण से हम इसको समझते हैं कि एक ठीक कदम है, लेकिन जो इसमें नॉमिनेटेड जो हैं ये लोग, अंतोगत्वा इनको अपनी पार्टी लाइन जो इनको नॉमिनेट करी वही फॉलो करने पड़ेगी। SOS इंटरनेशनल विस्थापितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इस संस्था के चेयरमैन राजीव चुन्नी कहते हैं, आपने 93 सीट्स बनाई हैं, 100 हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा? आज यूपी में 400 सीटें तो बनती हैं जनसंख्या के आधार पर, तो अगर मेरे 17 लाख लोग हैं तो 17 लाख पे तो कई बार दो मेंबर पार्लियामेंट जीत के आते हैं, तो आप हमें कह रहे हैं एक असेंबली ले लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीन बदल जाएगा, आप समझने की कोशिश करें। जो आपने किया है ये बड़ा हिस्टोरिकल है, मैं इसके लिए कहता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये कदम अधूरा है, इसको पूरा करने की जरूरत है।